कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए भूषण साइंस प्लस को और करें अपने फार्मा एंड नर्सिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज हम समझेंगे एडेमा को। एडेमा मतलब सिंपली ये होता है कि आपके शरीर में किसी हिस्से में पानी का भर जाना या फिर पूरे शरीर में पानी का भर जाना। आपने कई बार देखा होगा कि आपके बड़े बुजुर्गों के पैर में जो है सूजन रहती है, वो एक प्रकार का एडेमा ही है। अगर हम मेल की बात करें तो मेल की बॉडी के अंदर में 40% सॉलिड और 60% फ्लूड होता है। उस 60% फ्लूड में अगर देखा जाए तो 66% फ्लूड जो है वो कहलाता है इंट्रासेलुलर फ्लूड, मतलब कि सेल के अंदर का फ्लूड, और जो बचा हुआ 33% फ्लूड है वो कहलाता है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूड, जो कि सेल के बाहर होता है। अब ये जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूड है, ये इसमें से आपका 80% जो फ्लूड है वो कहलाता है इंटरस्टिशियल फ्लूड, जो सेल्स के बीच में होता है, और बचा हुआ जो 20% फ्लूड है वो होता है ब्लड में इन द फॉर्म ऑफ ब्लड प्लाज्मा। अब जो इंटरस्टिशियल फ्लूड है उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रासेलुलर एक्स्ट्रावेस्कुलर फ्लूड, और जो ब्लड प्लाज्मा में होता है उसको कहते हैं इंट्रावेस्कुलर फ्लूड। अगर हमने जैसे आपको कहा कि मेल के बॉडी में 40% सॉलिड होता है और 60% फ्लूड होता है, वैसे ही फीमेल के बॉडी के अंदर में 45% सॉलिड होता है और 55% फ्लूड होता है। अब ये जो इंट्रावेस्कुलर फ्लूड है, मतलब कि ब्लड के अंदर का जो फ्लूड है, और ब्लड के बाहर का फ्लूड मतलब कि एक्स्ट्रावेस्कुलर फ्लूड, इनमें जो वाटर होता है ये लगातार एक दूसरे के कंपोनेंट में मूव होता रहता है, और ये जो मूवमेंट है ये स्टार्लिंग फोर्सेस के थ्रू होता है। अब ये जो स्टार्लिंग फोर्सेस होता है ये तीन चीजों पर डिपेंड करता है। पहला हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, दूसरा ऑस्मोटिक प्रेशर, और तीसरा प्रॉपर्टीज ऑफ कैपिलरी वॉल। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो होता है ये हमेशा पानी को ब्लड सर्कुलेशन से बाहर निकालने की कोशिश करता है, जबकि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है ये हमेशा वाटर को ब्लड के अंदर लाने की कोशिश करता है, करेक्ट। अब उसके बाद एडेमा मतलब हम सिंपली बोल सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर में अगर इंटरस्टिशियल फ्लूइड का वॉल्यूम अगर बढ़ जाए तो उसको हम एडेमा बोल सकते हैं। अब ये जो एडेमा है ये पूरे शरीर में भी हो सकता है या स्पेसिफिकली किसी शरीर के पार्ट में भी हो सकता है। जैसे अगर मान लीजिए लंग्स में अगर पानी भर जाए, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोथोरेक्स, अगर आपके हार्ट में हार्ट की वॉल के पास एक पेरिकार्डियल कैविटी होती है, उसमें अगर फ्लूइड भर जाए तो उसको अपन हाइड्रोपेरिकार्डियम कहते हैं, और अगर पेट में पानी भर जाए तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोपेरिटोनियम। अब ये जो एडेमा है ये दो टाइप का मेजरली होता है, एक होता है लोकलाइज एडेमा और एक होता है जनरलाइज एडेमा। लोकलाइज एडेमा मतलब होता है कि बॉडी के किसी एक पार्ट में, जैसे हाथ या पैर में पानी भर जाना, और जनरलाइज एडेमा हम उससे कहते हैं जो पूरे के पूरे शरीर में पानी भर जाना, पूरा का पूरा शरीर जो है वहां पे स्वेलिंग आ जाना, उसको हम लोग कहते हैं जनरलाइज एडेमा। अब ये जो एडेमा है इसके कॉजेस क्या क्या है, तो सबसे पहला कॉज है कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का बढ़ जाना, जिसकी वजह से वाटर जो है वो ब्लड से निकलकर इंटरस्टिशियल फ्लूइड मतलब कि टिश्यू में आने लगता है। दूसरा है ऑस्मोटिक प्रेशर का कम हो जाना, जिसकी वजह से पानी जो है वो ब्लड में रुक नहीं पाता है और वो ब्लड से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तीसरा है सोडियम और वाटर का रिटेंशन, मतलब कि शरीर के अंदर में पानी और नमक का रुकना, जो कि यूरिन के थ्रू बाहर निकलना चाहिए वो उतना यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकल पाता है। फिर इसके बाद चौथा एक कॉज होता है जिसको अपन बोलते हैं लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। इसमें जो हमारी लिम्फेटिक वेसल्स होती है वो ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से फ्लूइड सर्कुलेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब किन किन लोगों को ये एडेमा होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, जैसे कई सारी दवाइयां ऐसी है जो एडेमा को कॉज करती है, मोटापे की वजह से भी एडेमा हो सकता है, अगर आपके बॉडी में प्रोटीन का लेवल कम है तब भी आपको एडेमा हो सकता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे जनरली एडेमा को देखा गया है, और अगर मान लीजिए कि बहुत लंबे समय तक आप खड़े रहते हैं या एक ही पोजीशन पे अगर आप बैठे रहते हैं उसकी वजह से एडेमा हो सकता है। अब एडेमा के अगर हम रिजल्ट देखें कि एडेमा की वजह से कौन कौन से डिसीजेस हो सकती है या फिर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है, करेक्ट, तो अगर मान लीजिए किसी को दिल की बीमारी है या किसी को किडनी की बीमारी है तो सबक्यूटेनियस टिश्यू एडेमा हो सकता है। अगर मान लीजिए किसी को लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्यूर है तो पल्मोनरी एडेमा देखने को मिलता है, और अगर किसी को ब्रेन एडेमा हो जाए तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, मतलब पर्सन की डेथ भी हो सकती है। अब इसका जो ट्रीटमेंट है,
ट्रीटमेंट सबसे पहला जो गोल होना चाहिए ट्रीटमेंट का वो ये होना चाहिए कि जिस भी कारण से एडेमा हुआ है उस कारण को पहले ट्रीट किया जाए। अगर मान लीजिए माइल्ड केसेस है तो ये अपने आप ठीक हो जाता है, या फिर पर्सन अगर रात को पैर ऊपर करके अगर सोता है तब भी उसका एडेमा जो है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है माइल्ड केसेस में। लेकिन सीवियर केसेस में दवाइयों की जरूरत पड़ती है, तो एक ड्रग है जिसको हम बोलते हैं डायूरेटिक, जो आपके यूरिन का वॉल्यूम बढ़ा देता है। इससे हमारे बॉडी का जो एक्सेसिव फ्लूइड है वो बाहर निकलता है, जिससे एडेमा कम हो जाता है। और अगर मान लीजिए कि बहुत ज्यादा अगर सीवियर केस है तो उसमें जो है हमें अलग अलग टाइप की थेरेपी लेनी होती है, जिसमें से एक थेरेपी का नाम है कंप्रेशन सॉक्स। तो ये जो कंप्रेशन सॉक्स है ये पैरों में पहने जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इंप्रूव होता है और पेशेंट का एडेमा ठीक होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।